ये किसी भी स्कूल का एक आम दिन हो सकता है। देखने से लग रहा है कि सब मन लगाकर सुन रहे हैं, लग रहा है कि सब समझ भी रहे हैं, पर कुछ बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो बड़ी कक्षा में पहुंच तो जाते हैं, पर उनकी समझ शक्ति उम्र के साथ बढ़ती नहीं है। जैसे कि अब यहाँ राजू को ही ले लीजिए, कुछ कुछ विषयों में वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी मूल बातें ही उसे समझ नहीं आती। इस वजह से वो स्कूल से गुटली भी मारने लगा था। ये बच्चे बहुत होशियार हैं, बस उन्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। ऐसे बच्चों को सामान्य लेवल पर लाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका देखने को मिलता है सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्टडी सेंटर्स पतंग में। यहाँ पढ़ाई होती है कक्षा के ऐसे वातावरण में जो बच्चों से उनकी भाषा में बात करता है। यहाँ जोर पढ़ने से ज्यादा सीखने पर है। यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये कार्ड्स, ये सीढ़ियाँ और उस पर आती ये मंजिलें। इनकी मदद से बच्चे ऐसे ऐसे अभ्यास करते हैं कि वो अपने विषय को सिर्फ याद करने के बजाय अच्छे से समझने भी लगते हैं, और इस तरह आसानी से वो गणित और भाषा, इन दो विषयों से परिचित हो जाते हैं। यही तो वो दो विषय हैं जिनमें अगर वो मजबूत हो गए तो आगे चलकर हर विषय समझ सकेंगे। एक कार्ड से जुड़े अभ्यास को करने के बाद बच्चा अपने आप अगला कार्ड उठाता है। जल्दी जल्दी खत्म करके आगे बढ़ने का उस पर कोई जोर नहीं रहता। और मजे की बात तो ये है कि अभ्यास को खुद सीख कर ये बच्चे आपस में ही एक दूसरे को सिखा भी देते हैं। वैसे आसान सी भाषा में लिखे गए ये कार्ड्स समझने में बहुत ही आसान है, और जब कुछ समझ नहीं आता तब वो अपनी अध्यापिका से मदद लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आइए देखें इन कार्ड्स के जरिए बच्चे गणित कैसे सीखते हैं। चिड़िया रानी बड़ी सयानी यहाँ गणित सिखाने आती है। मोर की लेकर मदद कहानी आगे को बढ़ाती है। यहाँ मुर्गा कहता इन अंकों को जोड़ जोड़ कर और बढ़ाओ। तोता कहता कार्ड उठाओ, अंक घटाओ, मुझे दिखाओ। ध्यान से तुम सब करना बच्चों, कटघोड़ा जी आएंगे, तुमने कितना सीखा कौवे राजा को बतलाएंगे। रुपए पैसे मोल भाव और नाप तोल के बारे में बत्तख जी को ज्ञान बड़ा है, आकर वो बतलाएंगे। बगुला आता, किलकिल आती, हमिंग बर्ड भी आती है, बच्चों को आसानी से वो उनका पाठ पढ़ाती है। जो बच्चे यहाँ हर रोज आते हैं वो एक साल में ही दो सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। यहाँ एक सीढ़ी का मतलब है एक कक्षा, तो दो सीढ़ियों का मतलब हुआ दो कक्षाएं, यानी वो बच्चे एक साल में ही दो कक्षाएं पार कर लेते हैं। और अगर हम गणित का उदाहरण लें तो ये बच्चे एक साल में ही दो कक्षाओं की गणित सीख और समझकर उसमें माहिर हो जाते हैं। कभी कभी तो देखा गया है कि अगर कोई बच्चा बहुत तेज है तो वो साल भर में ही एक से चौथी कक्षा में पहुंच जाता है। और इस तरह ये बच्चे न सिर्फ सामान्य लेवल पर आ जाते हैं बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बहुत अच्छे से उभर जाता है। एक और बहुत ही सुंदर सा असर जो राजू और इन सभी बच्चों पर साफ नजर आ रहा है वो ये है कि इन बच्चों को अब प्यार हो रहा है अपनी पढ़ाई से। पतंग, सेव द चिल्ड्रन इंडिया।